जुलाई में कैसे रहे ऑटो बिक्री के आंकड़े बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ ही अशीषा। जी हाँ, सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं तो M&M के नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं। अराउंड 31% का ग्रोथ हमने देखा YOY बेसिस पर ऑटो सेल्स वॉल्यूम्स में और 4% का ग्रोथ हमने देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर M&M की। याद रखिए XUV 700 थार, बोलेरो और XUV 300 काफ़ी लॉन्चेस थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला सभी प्रोडक्ट्स पर और उसी के चलते वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला M&M में। लेकिन उसके बावजूद मैनेजमेंट ने कहा कि सप्लाई चेन सिचुएशन अभी भी डायनामिक है, लेकिन उनका मानना है कि शायद आगे चलते हुए ये सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। टाटा मोटर्स की बात करें तो नतीजे एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं। अराउंड 57% का ग्रोथ देखा सेल्स वॉल्यूम्स में जुलाई के महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 5% का ग्रोथ देखने को मिला मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। मारुति सुजुकी के भी ऑटो सेल्स डेटा हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए हैं, लेकिन उनका मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स शॉर्टेज के कारण प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट देखने को मिला था जुलाई के महीने में, लेकिन आगे चलते हुए ये सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई नज़र आ सकती है। CV सेगमेंट की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले है टाटा मोटर्स, जहां हमारे एक्सपेक्टेशन से नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। अराउंड 43% का ग्रोथ देखा YOY बेसिस पर और 8% का डिक्लाइन हमने देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। याद रखें जब हम YOY बेसिस नंबर्स कंपेयर करते हैं, बेस इफेक्ट काफ़ी कम था, Q1 FY22 कोविड के कारण इम्पैक्ट हुआ था और उसी के चलते ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, जबकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर एक डिटीरियोरेशन देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड की बात करें तो उसके भी नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छे नहीं आए हैं। इनफैक्ट 58% का ग्रोथ हमने देखा YOY बेसिस पर और 6% का डिक्लाइन हमने देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। बाकी टू व्हीलर सेगमेंट की भी बात कर लेते हैं। टू व्हीलर सेगमेंट की रिकवरी अभी भी स्ट्रांग नहीं है। कोविड के बाद टू व्हीलर सेक्टर अभी भी रिकवर कर रहा है। बजाज ऑटो के नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन से नीचे आए थे। अराउंड 4% का हमने डिक्लाइन देखा YOY बेसिस पर और 2% का ग्रोथ देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। लास्टली ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करते हैं, इस जुलाई के महीने में रेनफॉल कम होने के कारण ट्रैक्टर सेल्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर नज़र आ रहे हैं। M&M के नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार आए हैं। 14% का डिक्लाइन देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 45% का डिक्लाइन देखने को मिला है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि मॉनसून में जो रिकवरी देखी है उसके कारण शायद आगे चलते हुए नंबर्स अच्छे नज़र आ सकते हैं। एस्कॉर्ट्स के नतीजे इनलाइन थे, 18% का डिक्लाइन देखा YOY बेसिस पर और 47% का डिक्लाइन हमने देखा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स इनफैक्ट 22% से कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन इसके बावजूद एनालिस्ट का मानना है कि ऑटो कंपनीज के सेल्स डेटा कमिंग फ्यू मंथ्स में अच्छे हो सकते हैं फेस्टिव सीजन के कारण। और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में हुए आज के एक्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ ही विश्वमोहन। विश्वमोहन, बताएं कि आज क्या हास रहा कमोडिटी मार्केट में? देखिए, अगर कमोडिटी मार्केट की आज बात करें तो सोने चांदी में आज शुरुआती कमजोरी के बाद अब धीरे धीरे रिकवरी लौट रही है। डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी थी वो भी कम हुई है। बॉन्ड यील्ड में भी 10-ईयर बॉन्ड यील्ड US के 2.66%